चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं आगे। हमने कल प्रॉफिट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे, आज भी उसी को ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी मैं ले रहा हूं। अभी हम लोग पिक कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर चैप्टर नंबर 8 ही है, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 17। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको दे रखा है, एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको दे रखा है। स्टार्टिंग लाइन क्या दे रही है, सभी को आवाज आ रही है मानते हो, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। तो देखो आप लोगों को दे रखा है, एट प्रेजेंट कोई रामदास लिमिटेड नाम की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसकी कैपेसिटी है 19,000 यूनिट्स पर मंथ। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 19,000 रुपए, 19,000 यूनिट इसकी कैपेसिटी दे रखी है आप लोगों को। उन्नीस हजार यूनिट की कैपेसिटी कितनी है, 19,000 यूनिट की है। चांदनी अपना माइक ऑफ करो, चांदनी अपना माइक म्यूट करो। तो चलो आपको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है, अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं 1 लाख के, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 10 रुपीज पर यूनिट, और सेल दे रखी है, सेल दे रखी है 10,000 यूनिट्स की। एट प्रेजेंट आप लोगों की सेल है कितनी, 10,000 यूनिट्स की। जो सेल है वो कितने यूनिट्स की है, 10,000 यूनिट्स की, और सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज पर यूनिट। ये सारा अभी आपके प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन सी है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ओके, ऑफर क्या है, चलो ऑफर भी चेकआउट कर लेते हैं। ऑफर है ऑफर नंबर 1। अब समझना थोड़ा, प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर ही बात सुनना थोड़ा ध्यान से आप लोग। मैंने क्या बोला, अब आप लोग टाइम मिला है तो आप लोग अच्छे बेसिकली क्लियर होंगे, ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। तो द पॉइंट इज, अगर आप लोगों को बेसिकली क्लियर होना है, और अगर आप बेसिकली क्लियर हो गए, देन द पॉइंट इज आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, और आप इजीली इसके अंदर अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो द पॉइंट इज, सुंदर तरीके से हमने अब तक जो क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन से देखो सब में डबल इंफॉर्मेशन होती थी, ओल्ड न्यू डिफरेंस निकाला, बात खत्म। देखो जितने को, एक दो क्वेश्चन नहीं, सब में ये ओल्ड न्यू, इसमें देखना ये ओल्ड न्यू निकाला, डिफरेंस निकाला, बात खत्म। ये देखो एक और क्वेश्चन, ओल्ड न्यू निकाला, डिफरेंस निकाला, बात खत्म। तो जितने भी क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन किए उन सब के अंदर हमने एक ही एक कैलकुलेशन बार बार रिपीट करी। ठीक है सर, इससे आपको एटलीस्ट एक चीज क्लियर हुई कि आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं, बात प्रॉफिट स्टेटमेंट की है, पर प्रॉफिट स्टेटमेंट में एक ही तरह क्वेश्चन ढूंढना सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन पे एंटर कर रहे हैं, हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो द पॉइंट अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन। भैया हाँ हाँ भैया, रुको हाँ बोलिए। मैं आपके, भैया आवाज कट रही है, आवाज कट रही है।
सुनाई। भैया आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप में सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। चलो तो यह देखो, आप लोगों के पास एक प्रपोजल है। वापस एक पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। देयर इज अ प्रपोजल टू एक्सटेंड द सेल टू अ फॉरेन मार्केट हैज कम विद डिमांड फॉर एडिशनल 5,000 यूनिट्स। एडिशनल डिमांड फॉर एडिशनल 5,000 यूनिट्स पर मंथ इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, एडिशनल डिमांड कितनी है? 5,000 यूनिट की। हाउएवर इन ऑर्डर टू डू सो दिस विल बी नेसेसरी टू एब्सॉर्ब एडिशनल कॉस्ट। आपके एडिशनल शिपिंग कॉस्ट एंड ड्यूटीज है ₹12 पर यूनिट। एडिशनल शिपिंग कॉस्ट कितनी है? ₹12 पर यूनिट। If it is profitable to accept the foreign offer, क्या अब foreign offer को accept करना सही है या नहीं है? ठीक है, जो foreign offer है उसको accept करना ओके है या नहीं है? चलो ठीक है, अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। या तो हर बार सुनना मेरी बात को, तो देखो आपके पास एक ऑप्शन तो क्या होता है, हम लोग ऑप्शन की बात करें। ठीक है, तो आपके पास ऑलवेज दो ऑप्शन होंगे, आपके पास ऑलवेज दो ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर वन, वही बार 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 डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट, ओल्ड न्यू डिफरेंस, ओल्ड न्यू डिफरेंस, ओल्ड न्यू डिफरेंस बनाते रहो। या ऑप्शन नंबर टू, आप लोग केवल न्यू प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो और उसके लिए एक बात का ध्यान रखना है, उसके लिए केवल एक बात का ध्यान रखना है, ओनली कंसीडर एडिशनल फिक्स कॉस्ट। आपको केवल और केवल एडिशनल फिक्स कॉस्ट ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं। आपको केवल और केवल एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा एक बात ध्यान नहीं रखनी है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है। या तो हर बार डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर न्यू प्रॉफिट। देखो धीरे धीरे आप लोगों को सीख के आपकी कैलकुलेशन को शॉर्ट करना ही पड़ेगा। आप लोग रट के नहीं जा सकते, समझ रहे हो मैं बात को? आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हमें तो एक मेथड समझ में आ गए, उसी से बार बार करना, उसी से बार बार करना, उसी से बार बार करना। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। आप करना चाहो तो कर सकते हो, दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर बार मेथड चेंज करो। ठीक है, कर ली। तो देखो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए, आप लोगों को धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए। डेवलप कैसे होंगे आप लोग, आप लोग डेवलप होंगे कैसे? आप लोगों को धीरे धीरे नए प्रॉफिट स्टेटमेंट भी ध्यान बनाने चाहिए।
डिफरेंशियल समझ में आ गया। अब डिफरेंशियल के बेस पे करो हर बार तो ठीक है चलेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब जहाँ क्वेश्चन में आपको 10 मिनट लगने चाहिए वहां 25 मिनट तक लग सकते हैं। तो आई विल फोकस ऑन दिस नाउ, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो द पॉइंट इज इसने मुझे एक प्रपोजल दिया है फॉर एडिशनल 5000 यूनिट्स पर मंथ, एडिशनल 5000 यूनिट्स पर मंथ। तो मैं क्या कर लूंगा, इसके लिए एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दूंगा, इसके लिए क्या करूंगा, एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दूंगा, ठीक है। सब प्रॉफिट स्टेटमेंट बना देते हैं, तो एग्जांपल नंबर है 17, चैप्टर नंबर है 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन प्रॉफिट स्टेटमेंट, मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पिक किया ताकि ज्यादा और कुछ आपकी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट, सेल कितनी है, तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी देर की थी ऊपर, 30 रुपीज। सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 रुपीज पर यूनिट, ओके। इसके बाद में चलो हम लोग हमारे पॉइंट पर जाते हैं वापस से। तो सेल हमें ऑफर कितने का मिला है, 5000 यूनिट का, सेलिंग प्राइस है 30 रुपए पर यूनिट, तो 5 × 3 = 15, 1.5 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपए पर यूनिट, तो वही 5000 यूनिट इंटू 10 रुपए पर यूनिट, 50,000। फिर एक और कॉस्ट इसने दी थी उसी पॉइंट में एक और कॉस्ट दी थी, वो ये थी एडिशनल शिपिंग एंड ड्यूटीज कॉस्ट, कितनी, एडिशनल शिपिंग एंड ड्यूटीज, शिपिंग कॉस्ट एंड ड्यूटीज, 12 रुपए पर यूनिट, ठीक है, 12 रुपए पर यूनिट, ओके। तो ये आ गया आपके शिपिंग कॉस्ट, 5000 × 12, 12×5=60,000। और अभी क्या समझा है, इसमें केवल और केवल एडिशनल फिक्स कॉस्ट का, इसमें केवल और केवल किसका ध्यान रखते हैं, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, केवल जो फिक्स कॉस्ट बड़ी है ना, केवल उसका, पूरे का ध्यान नहीं रखना आप लोगों को, ठीक है। तो देखो द पॉइंट इज, कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट है क्या, मैं लेस कर दूंगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, देन आई विल एक्सेप्ट द ऑफर। लेकिन अभी तो इसने ऑप्शन नंबर वन दिया है, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन और है अभी तो, ठीक है, ऐसे अभी हमारे पास दो ऑप्शन और है। ऑप्शन नंबर बी अ डोमेस्टिक चेन स्टोर हैज ऑफर्ड टू टेक 5000 यूनिट्स पर मंथ एट 18 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब वो 5000 यूनिट्स लेने को तैयार है, कितने रुपए के हिसाब से, केवल 18 रुपए के हिसाब से,
क्या उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए इन प्लेस ऑफ फॉरेन ऑर्डर? भाई वो 5,000 फॉरेन में 5,000 यूनिट कितने बिक्री थी? 5,000 यूनिट बिक्री थी 30 रुपए के हिसाब से, और यहाँ पे 5,000 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से बिक्री है? 80 रुपए के हिसाब से। तो क्या ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू में वापस वही प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगा। तो अब सेल कितनी है? वही 5,000 यूनिट की, कितने रुपए के हिसाब से? 18 रुपए के हिसाब से 90,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 5,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 50,000 लेस एडिशनल फिक्स कॉस्ट, और एडिशनल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे ही रखी है। तो वापस से प्रॉफिट कितना जाएगा? 40,000। अब अगर मुझे कोई बोलेगा सर आप कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल रहे हो, भैया आप कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल रहे हो, मैंने फर्स्ट डे समझाया था कि कोई जरूरी नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, कोई जरूरी नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना। मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था ये तीन तरह के प्रॉफिट स्टेटमेंट, और मैं अभी जो प्रॉफिट स्टेटमेंट काम में ले रहा हूँ वो ये वाला काम में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने कोई मतलब तो है नहीं। आप चाहो तो निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो बार बार इसी से क्वेश्चन कर लो, एक इससे मुझे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, जब जरूरत ही नहीं है किसी चीज की तो बार बार उसी उसी चीज को पकड़ने से क्या फायदा? आई बात समझ में? तो हम लोग तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट कितना आया ऑप्शन टू में भी 40,000 का प्रॉफिट है, ऑप्शन वन में भी 40,000 का, ऑप्शन टू में भी 40,000 का। तो अब ऑप्शन थ्री भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थ्री में क्या बोल रहे हैं? द सेल्स डिपार्टमेंट प्रपोजेस टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, ठीक है। एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम पर मंथ एट वेरियस सेल प्राइस आर एज फॉलोस। अलग अलग सेल प्राइस तो आपकी सेल कितनी हो सकती है? तो देखो, अगर 30 रुपए पर यूनिट रखते हो तो सेल यूनिट कितनी होगी? 10,000। अगर सेलिंग प्राइस को कम करके 25 कर देते हो तो आपकी सेल कितनी यूनिट से होगी? 14,000 की। और अगर सेलिंग प्राइस को कम करके 20 रुपए कर देते हो तो सेल कितनी हो जाएगी? पूरे 19,000 की। इसमें क्या है तो चेक कर लेते हैं। अलग अलग सेलिंग प्राइस के ऊपर तो ऑप्शन नंबर थ्री, प्रॉफिट स्टेटमेंट एट डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट सेल प्राइसेस। तो यहां पे मुझे इसने तीन ऑप्शन एक में दे दिए है, ए बी सी, एक में इसने तीन ऑप्शन टिका दिए मेरे को। तीन ऑप्शन कैसे? देखो, जब सेलिंग प्राइस 300, जब सेलिंग प्राइस 2500 और सेलिंग प्राइस 2000, तीन ऑप्शन दे दिए एक साथ ही। तो देखो, सेल, ठीक है, यह पहले यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स कितनी कितनी बन रही है? 10,000, 10,000, 14,000, 19,000, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले निकाल लेते हैं सेल। ए ऑप्शन में सेलिंग प्राइस है 30 रुपए, तो 10,000 × 30, 3,00,000। बी ऑप्शन में सेलिंग प्राइस है 14,000 × 25, तो 14,000 × 25, 3,50,000। और सी ऑप्शन में है 19,000 × 20, 19×38, 3,80,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट तो 10 × 1,40,190। अब जो आप सबका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? फिक्स कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट थी ऊपर 1,00,000 रुपए, तो फिक्स कॉस्ट 1,00,000। अब क्वेश्चन आएगा ऊपर दोनों में लेस नहीं करी आपने, ऊपर की ऑप्शन थे ऊपर तो लेस नहीं करी, नीचे क्यों लेस कर दी? तो देखो यहाँ पे मैंने केवल एडिशनल यूनिट ली थी 5,000, वो 10,000 पहले से बना रहा था, 5,000 और बनाएगा। यहाँ भी वो 10,000 पहले से बना रहा था, 5,000 और बनाएगा। यहाँ पे और नहीं बनाएगा, यहाँ पे या तो वो टोटल 10,000 यूनिट बनाएगा, या टोटल 14,000 यूनिट बनाएगा, या टोटल 19,000 यूनिट बनाएगा। द पॉइंट इज, अगर यहाँ पे मैं 10 बना रहा था, अब 15,000 यूनिट लेता तो फिक्स कॉस्ट ले लेता पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि वो टोटल ही यूनिट इतनी बना रहा है, टोटल यूनिट्स को एडिशनल यूनिट्स नहीं लिए। तो एक लॉजिक ध्यान रखो, जब भी आप एडिशनल यूनिट्स लेते हो तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेंगे, जब टोटल यूनिट्स लेते हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट। एडिशनल यूनिट्स, एडिशनल फिक्स कॉस्ट और टोटल यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब किसी क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये टोटल है, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता चल गया टोटल है, एडिशनल भी तो हो सकती है, एडिशनल पॉसिबल ही नहीं है। एडिशनल पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उस बंदे की कैपेसिटी ही 19,000 यूनिट की है, टोटल कैपेसिटी। अब 10,000 पहले से बना रहा, ऊपर 10,000 तो बन ही नहीं सकता ना वो। और दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज में क्लियर दे रखा है, क्वेश्चन लैंग्वेज में क्लियर दे रखा पॉइंट नंबर सी में क्या, एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम एट डिफरेंट सेल प्राइसेस। ये अलग अलग सेल्स वॉल्यूम है, अलग अलग सेल प्राइसेस के ऊपर। जो देखो प्रेजेंट सेल 10,000 की है, अब उसके ऊपर 14,000 यूनिट थोड़ा बना सकता है। प्रेजेंट सेल 10,000 यूनिट दे रखी है इसने, अब उसके ऊपर 14 बनाएगा, 24,000। कैपेसिटी 19,000 की है, मतलब एक दिन में 24 घंटे, आप 12 घंटे काम कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि यार एक काम और है, 14 घंटे और लगेंगे, तो 12, 14, 26 घंटे थोड़ा ला सकते हो आप लोग, समझ रहे हो? आपको तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 12 और 14 नहीं है, फिर वो 14 घंटे 12 को इंक्लूड करते हुए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आया 1,00,000 का, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगी, चलिए 90,000 का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 3,80,000 - 1,40,000 - 1,40,000 - 1,40,000 तो 1,00,000 सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है 14,000 यूनिट के ऊपर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ये वाला। तो देखो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन सा है? 14,000 यूनिट के ऊपर, ओके। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो आगे एक क्वेश्चन का आंसर दो। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया है। और कोई क्वेश्चन इसके अंदर कैसे भी? और कोई क्वेश्चन है क्या? चलो
क्वेश्चन के बाद में लेते हैं। अगर किसी के पास एक ऑप्शन हो कि भाई जूम ऐप के ऊपर टाइमिंग कैसे बढ़ाया जाए, मैं एक्चुअली एक क्लास ले पा रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स की, 40 मिनट्स में से 5 मिनट तो हमारे को एडजस्ट होने में लग जाते हैं, मतलब एक क्लास हो पाती केवल 35 मिनट की। अगर मैं अब आप लोग बोलो बैक टू बैक दो क्लासेस लेने जाऊँ, बैक टू बैक दो क्लासेस के बीच में मुझे कम से कम 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा, क्योंकि वो क्लास कन्वर्ट होती है, क्योंकि क्लास वो रिकॉर्ड होती है तो वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होके फिर रिकॉर्ड होती है। तो अगर किसी के पास कोई ऑप्शन मिलेगा भाई आप इस तरह से टाइम को बढ़ा सकते हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मटेरियल दे रखा है 4 रुपीज पर यूनिट, लेबर दे रखी है 3 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड है 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। What should be minimum selling price for new order? अगर कोई भी न्यू ऑर्डर मिलता है, कोई भी न्यू ऑर्डर कितनी भी यूनिट्स का, ठीक है, मैं ये बोलता हूं भाई प्रेजेंट सेल है, प्रेजेंट कैपेसिटी है केवल 50% पे, अगर ये अपनी सेल को कितने 50% कितने बढ़ाना चाहे तो मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना होगा, चलो आप लोग बताओ, ये आप इसमें देखा मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपीज पर यूनिट। ₹9। चलो तो मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है वेरिएबल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट एंड डिजायर्ड प्रॉफिट। तो ये होती है मिनिमम सेलिंग प्राइस, खासकर सीएमए वाले ध्यान रखना, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है। अर्चना मिनिमम सेलिंग प्राइस में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर सकते हैं पर वो एडिशनल, एडिशनल फिक्स कॉस्ट होती है ना, तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स तो आएगी नहीं, तो फिक्स की सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4, 3, 7 और 2, 9 रुपए। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट है 9, 4 + 3 + 2, एडिशनल कॉस्ट कुछ है नहीं, डिजायर्ड प्रॉफिट कुछ है नहीं, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 9 रुपए। आई बात समझ में? अब अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन बोल दूं, मिनिमम सेलिंग प्राइस व्हेन, डिजायर्ड प्रॉफिट इज 10%, तो अब ये 10% किसका लोगे, 10, 4, 3, 7, 2, 9, 5, 14 का या फिर केवल 9 रुपए का? बताओ मुझे आंसर, बताओ 10.4 या 9.9। चलो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, या तो 9.9 होगा या 10.4 होगा।
9.9 10.4. लेट मी चेक वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4 + 3 + 2 9 एड प्रॉफिट प्रॉफिट कितना बोला है 10% 10% किसी चीज को बोला है क्या तो जो अमाउंट अवेलेबल होती है उसी का 10% लेते हैं जो अमाउंट अवेलेबल होती है उसी के जब आपको कोई परसेंटेज किस पे लेना है ये नहीं दे रखा है तो किसका लोगे ऑब्वियसली जो दे रखा उसी का ले लेंगे फिर तो 9 दे रखा 9 का 10% 9.9 मिनिमम सेलिंग प्राइस हो गई ये क्या मान ली जाएगी मिनिमम सेलिंग प्राइस आई बात समझ में सबके यस और नो अब मैं बोलता हूँ फ्यूचर हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है का 40 मिनट्स है और अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो 24 आवर्स मिल जाएगा आपको जूम में अरे नहीं उसके अलावा कोई एक हैक भी है एक हैक क्या लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कजन उसने बताया तो था मुझे हैक का पर वो मेरे बैठा नहीं तो कोई किसी समझ में आया तो मुझे बताना एक हैक और है वो अपग्रेड कर मैं लिखा हुआ आता अपग्रेड कर लो तो आ जाएगा वो तो मुझे मेरे लिखा हुआ लेकिन एक हैक है और क्योंकि इसके मंथली $13 है अगर इसका पेड वर्जन लेता हूँ तो मंथली $13 है तो $13 इंटू 70 रुपीज भी करूँ मैं तो ₹1000 पर मंथ के मेरे एक्स्ट्रा जाएंगे तो चलो अभी अपना टाइम 40 मिनट चाहिए अपने पास यूनिट्स है 10,000 और 11,000 या चलो अपन तो चल लेते हैं जी आपके तक ध्यान में रहेगा 9,000 10,000 वेरिएबल कॉस्ट है 40,000 या 45,000 और 50,000 सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 48,000 और 50,000 फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 1,05,000 व्हाट शुड बी मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर एडिशनल अभी प्रेजेंट है ये और ये प्रपोज्ड है समझना ये प्रेजेंट है प्रेजेंट में 90 पे काम कर रहे हो प्रपोज 100% है 9,000 और 10,000 यूनिट बन रही है तो 1,000 यूनिट बनी ना यहाँ से यहाँ पे कितनी 1,000 यूनिट बढ़ी है 9,000 से 10,000 कितनी यूनिट बढ़ी है 1,000 यूनिट बढ़ी है तो यहाँ पे मिनिमम सेलिंग प्राइस कितनी होगी जल्दी बोलना क्योंकि आपके पास केवल और केवल 1 मिनट 30 सेकेंड्स है क्लास ऑफ होने में 7,500 मिनिमम सेलिंग प्राइस का मतलब पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस